नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे सिटी महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है हमारी लीवर या यकृत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये लीवर और यकृत जो अवयव है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ऑर्गन होता है। हमारे शरीर में, पेट में हमारी जो रिब्स होती हैं, मतलब हड्डियां, रिब्स के निचले वाले दाहिने भाग में ये होता है लीवर ऑर्गन। और इस लीवर ऑर्गन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ज्यादातर ये मद्यपान या जो अल्कोहल वाली लोग पीते हैं, दारू पीते हैं, उनकी लीवर खराब होने की शक्यता बहुत ही ज्यादा होती है। फिलहाल लीवर जब खराब हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं? पहला तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है कि हम जो गर्मी के दिनों में, चाहे देखिए आपकी ऊस का रस पीते हैं, शुगर केन जूस, तो उसमें जो बर्फ डालते हैं आप, वो बर्फ जो बनाया जाता है वो पानी अच्छा नहीं है। तो उस दूषित पानी के द्वारा हमारे शरीर में ये हिपेटाइटिस पैदा करने वाले, मतलब लीवर की बर्बादी करने वाले वायरस जो होते हैं वो मतलब घुस जाते हैं, या कभी कभार कॉलरा के जंतु घुस जाते हैं, या टाइफाइड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो प्रवेश कर लेते हैं और उसी के द्वारा हमें पीलिया रोग, मतलब इन्फेक्ट हिपेटाइटिस, या कभी कभार कॉलरा, या कभी कभार टाइफॉइड, ऐसी बीमारियां हो सकती है। और उसकी मतलब एक तरह की हम मराठी भाषा में साथ बोलते हैं, मतलब एंडेमिक तरीके का इसका व्यवहार होता है। बहुत सारी कम्युनिटी के वाले लोग जो हैं, जहां पर ये दूषित पानी मिल रहा है, उन सब लोगों की लीवर खराब हो जाती है और ऐसी विभिन्न तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये तो ठीक है कि कुछ बीमारियां हल्की सी होती है जो दवा पानी करने से बिल्कुल 100% क्योर हो जाती हैं। कभी कभार कई बीमारियां ऐसी होती है कि वो जो ज्यादा टाइम तक चलती है और बाद में लीवर को और ज्यादा खराब बना लेते हैं। तो उसमें धीरे धीरे करके मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि लीवर क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे बढ़िया कारखाना हमारे शरीर में जो भी नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाने के लिए जिम्मेदार जो है इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री या इंडस्ट्री हमें लीवर को कहना चाहिए। क्योंकि इसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें फैट मेटाबॉलिज्म होता है। तो तीनों जो महत्वपूर्ण घटक है हमारे शरीर के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उनकी चय अपचय प्रक्रिया के लिए ये लीवर ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ कई उपयुक्त पदार्थों का जो स्टोरेज होता है वो भी लीवर में होता है। जैसे कि आप B12 की एक कंसिडर करें, या कुछ आयरन का कंसिडरेशन करें, तो इसका ग्लूकोज का कंसिडरेशन करें, तो इन सब का जो ज्यादा मात्रा में होता है उसका स्टोरेज हमारा लीवर होता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण घटक है कि जो भी विष पदार्थ हमारे शरीर में निकल आते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कई कबार हम मेडिसिन्स लेते हैं उससे भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करने का जगह ये भी हमारी लीवर ही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनका भी पूरा खत्मा करने के लिए लीवर के कुफर सेल नाम के एक स्पेसिफिक पेशिया सेल्स है, उनके द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको बिल्कुल खत्म किया जाता है। कई कबार कैसे होता है कि कॉपर है या सिल्वर है, ऐसे जिसको हेवी मेटल कहा जाता है, वो हेवी मेटल्स को भी डिस्ट्रॉय करने का काम हमारा लीवर करता है। तो देखिए, एक तरह से हमारा न्यूट्रिएंट्स, पालन पोषण की जिम्मेदारी लीवर पर है, दूसरी तरफ जो भी विष पदार्थ है, जो भी टॉक्सिक है, जो भी वेस्ट है, उसको निकालने के लिए भी लीवर ही यकृत हमारा जिम्मेदार अवयव है। तो इसी तरह एक सेंटेंस में मैं कहना चाहता हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। जैसे और भी है, ब्रेन है, या हमारी हृदय है, या किडनी है, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, फिर उसके साथ साथ पचन व्यापार में, डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में बहुत ही उपयुक्त अवयव जो है वो है यकृत। यकृत की बीमारियां, पहला तो जॉन्डिस मैंने कह दिया आपको, दूसरी बीमारी होती है ये, जॉन्डिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से ही दो प्रकार जो महत्वपूर्ण प्रकार है उसकी चर्चा सविस्तर रूप से पूरे 1 घंटे में डॉक्टर देशपांडे करने वाले हैं। आखिर में
इस वीडियो की आखिर में डॉक्टर देशपांडे ने स्वयं संशोधन करके जो मेडिसिन्स इन्वेंट की है, मतलब रिसर्च किया है जिसके ऊपर, और जो उनके प्रैक्टिस में बहुत साल तक वो यूज कर रहे हैं, ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स वीडियो के आखिर में डॉक्टर देशपांडे बताने वाले हैं, और बीच बीच में कुछ प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो आखिर तक देखिए और कंटिन्यूअस देखते रहिए, तो उसकी आपकी आरोग्य विषयक साक्षरता, हेल्थ लिटरेसी 100% बढ़ने वाली है। शास्त्रीय माहिती मगर अत्यंत सरल भाषा में बताने वाला एक ही चैनल है, प्रोफेसर देशपांडे का आयुर्वेद एकेडमी चैनल। तो इसको हमेशा इस तरह से देखिए कि मुझे आरोग्य विषयक जागरूक नागरिक बनना है तो मेरे को आयुर्वेद एकेडमी चैनल फॉलो करना पड़ेगा, उसकी हर एक वीडियो देखने की फायदे मिलने वाले हैं। लीवर, लीवर को इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस, ये जो शब्द है ना भैया, ये देखिए ITS, मैं स्क्रीन पर बता देता हूं आपको। यहां पर देखिए, यहां देख रहे हैं कि आप कर्सर देख रहे हैं मेरा, ये ITIS, जिसको नोट्स बनाने की आदत है वो नोट्स भी बना सकते हैं। हाँ, मेरा वीडियो देखते समय हमेशा एक नोटबुक बना रखिए डॉक्टर देशपांडे के नाम पर, और उसमें अपने थोड़ी थोड़ी चीजें लिखते जाइए, बहुत ही फायदे होने वाला है। और एक शिक्षा प्रणाली का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बताने वाला हूं आज। जब भी आप डॉक्टर देशपांडे का वीडियो देखेंगे ना, तो अकेले देखने तो है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेडफोन लगाकर देख लीजिए, अलग अलग फैमिली मेंबर्स अलग अलग तरीके से देख सकता है, नहीं तो आप टीवी पर वो लगाकर सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठा बैठ कर भी देख सकते हैं। और एक चीज, ये वीडियो देखने के बाद जो हमारी इधर यहाँ ज्ञान मिल गया है, उसकी स्मृति आपको मेमोरी टेस्ट करनी है, तो आपको रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ जब आप मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप मिलते हैं, तो उस दौरान ये डॉक्टर देशपांडे की वीडियो के ऊपर चर्चा की, कि आज मैंने यार सर का ये वीडियो देखा, बहुत ही बढ़िया था, ये वैसे वैसी बातें कर रहे थे। तो ये ऐसी चर्चा करने से आपका ज्ञान बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कन्फर्म हो सकता है। ये तरीका है सीखने सिखाने का, ठीक है? तो ये ITIS का मतलब होता है इन्फ्लोमेशन, सूजन। तो हिपैट का मतलब होता है लीवर, यकृत को जब सूजन आ जाती है तो ये हिपेटाइटिस शब्द बन जाता है। हमारी टॉन्सिल को सूजन आ जाएगी तो क्या बनेगा, बता सकते हैं? टॉन्सिलाइटिस। जब मेरे गले में सूजन आ जाएगी तो क्या बोलेंगे, फायरिंजाइटिस। जब मेरा स्वर बॉक्स जो है, वोकल कॉर्ड जहां पर बैठे हुए हैं, आवाज का जो बॉक्स है, उसको सूजन आ गई तो बोलेंगे लैरिंजाइटिस। जब हमारी अपेंडिक्स है उसको सूजन आ जाती है तो बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ये तो शब्द मालूम है आपको। तो ITIS का जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है सूजन, ठीक है? तो आपकी पहली बीमारी लीवर की मैंने आपको बता दी है, जिसको बोलते हैं वायरल हिपेटाइटिस। इसके प्रकार मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो जॉन्डिस, पीलिया रोग आपको नाम से पता हो गया, अलग और कुछ बीमारी है क्या? लीवर को एक फैटी लीवर नाम की शिकायत अभी ज्यादा लोगों में बढ़ रही है, फैटी लीवर। तो उसमें बहुत सारे कारण हैं फैटी लीवर के। फिलहाल ज्यादा कारण ऐसे हो सकते हैं कि जब आप खान पान में ज्यादा फैटी सब्सटेंसेस ले रहे हैं या फ्राइड सब्सटेंसेस ले रहे हैं, और उसी के अनुसार आपका कुछ जीवन शैली नहीं है, आपकी जीवन शैली बैठा व्यवसाय है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप कुछ भी व्यायाम नहीं करते, कुछ योगासना नहीं करते, है ना, और खाने पीने का परहेज नहीं रखते, हमेशा पिस्ता खाते रहे, पिज्जा खाते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीज खाते रहते हैं, तो आपको ये फैटी फास्ट फूड खाते हैं ज्यादातर, ये लीवर की शिकायत होने वाली संभावना है, जिसको फैटी लीवर कहा जाता है। अलग वीडियो मेरा मौजूद है आपके सामने, जब चाहे तो आप प्लेलिस्ट में देखकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके आगे चलकर हिपेटाइटिस बी, आज उसके ऊपर ज्यादा चर्चा होने वाली, पहले भी कर चुका हूं। हिपेटाइटिस बी से लेकर आगे चलकर लीवर की और एक बर्बादी होती है, जिसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस, CIRROSIS। लीवर सिरोसिस का मतलब जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, वो पूरी खराबी हो जाती है, उसका कन्वर्जन नॉन फंक्शनिंग फाइब्रस टिश्यू में हो जाता है। जो लीवर का कार्य, प्राकृत जो कार्य है वो कर नहीं सकते, ऐसे सेल्स बन जाते हैं जिसको बोलते हैं फाइब्रोटिक चेंजेस। लीवर क्या बोला, सिरोसिस। बहुत सारे लोगों को है, उसकी भी दवा मैं आखिर में बताने वाला हूं, उसकी भी दवा बताऊंगा।
ये लीवर सिरोसिस से क्या हो जाता है, हमारे लीवर के आसपास जो रक्त वाहिनी है उसके ऊपर का प्रेशर दबाव बढ़ जाता है, उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। पोर्टल, पोर्टल का मतलब लीवर, लीवर के द्वारा उत्पन्न किया गया हाइपरटेंशन। ये पोर्टल हाइपरटेंशन अलग है और आपकी हाइपरटेंशन वाली हृदय की बीमारी थोड़ी सी अलग है, इंटरकनेक्टेड तो है। फिर मैं अभी बात कर रहा हूं पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर के द्वारा आसपास के रक्त वाहिनी में बढ़ा हुआ जो प्रेशर है, दबाव है, उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। उसके तीन परिणाम हो सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, ध्यान से सुनिए। पहला परिणाम है उदर व्याधि, उदर का मतलब होता है असाइटिस, आयुर्वेद का शब्द है उदर। उदर शब्द के दो अर्थ आयुर्वेद में है, उदर का पहला अर्थ है पेट, एब्डोमेन, और दूसरा अर्थ है असाइटिस नाम की बीमारी, पेट में पानी होना। बहुत सारे लोगों को सीने में पानी होना, टीबी होना, ये मालूम है, पेट में भी पेरिटोनियल कैविटी में ज्यादा पानी हो जाता है, उसको बोलते हैं असाइटिस। इसका एक अलग वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो जरूर देखिए, उसके उपचार के बारे में भी मैंने चर्चा की है, असाइटिस के बारे में। बार बार कई लोगों को पेट में पानी भर जाता है, सांस लेने को तकलीफ होती है और बहुत बेकार हो जाता है वो पेशेंट की हालत, बार बार एडमिट करना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है, जिसको एब्डोमिनल टैपिंग कहते हैं, पैरासेंटेसिस कहते हैं, है ना ऐसी बात। तो ये पहला वाला प्रॉब्लम है, पोर्टल हाइपरटेंशन के द्वारा असाइटिस बन गया। कई लोगों का ये बैक प्रेशर, बैक प्रेशर, बैक प्रेशर चल के, ये अन्न नलिका है ना हमारी, एसोफेगस बोलते हैं अन्न नलिका को, मुंह से लेकर आमाशय तक अन्न लेने वाली जो नलिका है उसको अन्न नलिका या एसोफेगस बोलते हैं। उस एसोफेगस में, उस अन्न नलिका में ये पोर्टल हाइपरटेंशन के द्वारा वराइसेस, उसको सूजन आ जाती, उसको उसकी रक्त वाहिनियां उधर की जो है वो फैल जाती, उसको बोलते हैं एसोफेजियल वराइसेस। एसोफेजियल वराइसेस ये पोर्टल हाइपरटेंशन का नतीजा हो सकता है, परिणाम हो सकता है। एसोफेजियल वराइसेस कभी कभी टूट फूट सकती है, फट जाती है, रक्त वाहिनी बोल रहा हूं, अन्न नलिका नहीं, अन्न नलिका के आसपास होने वाली रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी फटने से उस पेशेंट से उल्टी के द्वारा, अन्न के द्वारा खून निकलता है, उल्टी के द्वारा, जिसको हम हेमेटेमेसिस कहते हैं, सरक्त छर्दी, रक्त छर्दी, हेमेटेमेसिस, उल्टी द्वारा रक्त निकलना, किसका परिणाम हो गया, एसोफेजियल वराइसेस। एसोफेजियल वराइसेस क्यों आई, प्रॉब्लम क्यों आया, पोर्टल हाइपरटेंशन से। पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों बना, लीवर की खराबी से। कौन सी खराबी, लीवर सिरोसिस। क्यों होता है लीवर सिरोसिस, अल्कोहल, 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 मद्यपान से लीवर खराब होती है, मद्यपान से हिपेट या और कुछ जंतु संसर्ग से हिपेटाइटिस बी बनता है और बी के बाद सिरोसिस बनता है। सिरोसिस के दो कॉम्प्लिकेशंस मैंने बता दिए, एक तो असाइटिस, दूसरा एसोफेजियल वराइसेस, तीसरा नीचे है, नीचे हमारे शरीर के निचले वाले हिस्से में, जिसको बोलते हैं बवासीर, पाइल्स, हिमरहॉइड्स, अर्श, आयुर्वेद में अर्श बताए हैं, कल ही मेरा एक वीडियो था अर्श के बारे में, अर्श, पाइल्स, बवासीर, हिमरहॉइड्स, दो प्रकार हैं, एक शुष्क अर्श और रक्त रक्तज अर्श, ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। किस किस प्रॉब्लम है, पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों, लीवर सिरोसिस क्यों, अल्कोहल या तो हिपेटाइटिस बी के, बी नाम के वायरस से। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है। लीवर के प्रॉब्लम्स कितने होते हैं देखिए, लीवर के प्रॉब्लम्स, और आखिर में इससे भी कोई आदमी ज्यादा टाइम तक ये फाइट नहीं कर सकता तो हो जाता है लीवर कैंसर। लोग तो चर्चा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, नहीं भैया इतना आसान नहीं है वो चीज, इतना मामूली सा नहीं है, कहीं भी बिगड़ जाए, कहीं भी ट्रांसप्लांट करा लो, चलो आगे चलेंगे, लीवर हमारी आयुष्य बन जाएगी, नहीं भैया ऐसा नहीं होता, ले डेंजरस।
भयानक डेंजरस है। तो पहले से आप लीवर के बारे में हमेशा सतर्क रहिए। क्या रहिए? सतर्क, सावधान। लीवर को हमें संभालना ही पड़ेगा। अच्छी खान पान के द्वारा, अच्छी जीवन शैली के द्वारा हमारा लीवर तंदुरुस्त रह सकता है। कोई फिक्र करने की बात नहीं। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक वायरल हिपेटाइटिस नाम का है, सूजन है, लीवर की सूजन। और कौन से जंतु हैं? एक तो बैक्टीरिया होते हैं, एक तो वायरसेस होते हैं, या तो फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन वायरल है, सूक्ष्म जीवाणु, अति सूक्ष्म जीवाणु, अति सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं वायरस। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत सारे नाम के वायरस हैं, जैसे फेमस वायरस जो है ए वायरस और बी वायरस। बट उसके अलावा ए, आज तो हम सिर्फ ए और बी के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी के सारे बी जैसे ही है, बेकार है, खराब है, डेंजरस है। वायरस सी, वायरस डी, वायरस ई, एफ नहीं, एफ नहीं है, एफ नहीं है, डायरेक्ट जी है। मैं क्या करूं भैया, मैंने तो नहीं नाम दिए, शास्त्रज्ञ जो है ना, साइंटिस्ट, उन्होंने नाम दिया है, मैं क्या कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, ए दिया, बी सी डी ई, एफ नहीं, एफ गायब, जी, एफ को कट करना और जी लगा देना। समझ गए बात? कितने वायरस हो गए देखिए, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 वायरसेस टू डैमेज योर लीवर, आपकी और मेरी लीवर खराब करने के लिए 6 वायरसेस तैयार हैं, हमें प्रोटेक्ट करना है। पहले बात करते हैं हिपेटाइटिस ए के बारे में। नॉर्मल जो हमारा जॉन्डिस होता है ना, दूषित अन्न पान के द्वारा होने वाली काविल, होने वाला जॉन्डिस, होने वाला पीलिया रोग, इसका नाम है हिपेटाइटिस ए। ये जो बीमारी थी वो पहले वाले जमाने में उसको अलग-अलग नाम थे। क्या नाम थे? इंफेक्शियस हिपेटाइटिस बोला जाता था, और एक नाम था एपिडेमिक जॉन्डिस, उसके साथ आती थी। बहुत सारी कम्युनिटी के जो पीपल हैं, ज्यादा व्यक्ति उसमें मतलब उनको, सब लोगों को ये एक साथ बीमारी हो जाती थी, पूरे के पूरे गोखले नगर एरिया में जहां मैं रहता हूं, पूरे के पूरे मेरी कपिला सोसाइटी में सबको हो गया। तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक जॉन्डिस। दिस इज एंटेरो वायरस इंफेक्शन। हाँ, ज्यादातर ये आंत्र की शिकायत है, एंडेमिक होता है इन द डेवलपिंग कंट्री, ज्यादा लोग उससे असर हो जाता है, ज्यादा लोगों के ऊपर, ठीक है। उसके प्रमुख कारण क्या है? पुअर स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन, स्वच्छता का पालन नहीं करना, और सैनिटेशन अच्छा नहीं होता, जहां लैट्रिन्स की सुविधा नहीं है, लोग खुलेआम बाहर की जगह पर अपने बच्चों को टट्टी के लिए बिठाते हैं, तो उधर मच्छियां बैठ जाती हैं, वो खान पान के ऊपर आ जाती है, और उसके द्वारा ये साथी के आजार जो है, कम्युनिकेबल डिसीजेस, वो फैल जाते हैं। आगे चलते हैं। एजेंट फैक्टर्स, यहां पर देखिए किसके द्वारा ये होता है, कौन है, कौन है ये? ये देखिए, हिपेटाइटिस ए इज एंटेरो वायरस, ओके, इट मल्टीप्लाइज ओनली इन द हिपेटोसाइट। ये जो वायरस है ना, शरीर के अंदर घुस गया तो उसका डायरेक्ट अटैक कहां पर होता है? लीवर के ऊपर। वो यहां वहां रुकता नहीं, फेफड़े में रुकता नहीं, आंत्र में रुकता नहीं, वो जाता है लीवर में और लीवर को पूरी खराबी कर देता है। फीकल शेडिंग ऑफ द वायरस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड एंड अर्ली एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस। जिसको भी पीलिया व्याधि होने वाली है, उसके पहले 8-10 दिन जब वो बच्चा, जब वो आदमी टट्टी करता है, तो उसमें से वो वायरस टट्टी के द्वारा शरीर के बाहर आ जाता है, ठीक है। और बाद में उस व्यक्ति ने खुद के हाथ अच्छी तरह से नहीं धोए, तो फिर अगेन सेल्फ इन्फेक्शन हो जाएगा। नहीं तो वो जो आदमी है, ज्यादातर बच्चे जब ओपन एरिया में लैट्रिन करते हैं, तो उनके फीकल मैटर के बैठी हुई मच्छियां खान पान के ऊपर बैठ जाती है, वो खान पान हम करते हैं, और उसी के द्वारा ये जॉन्डिस की शिकायत, पीलिया रोग की व्याधि हो जाती है, ठीक है। दिस वायरस इज रेजिस्टेंट टू द हीट एंड केमिकल्स, इसीलिए रेनी सीजन में और भी कई सीजन में हम लोगों को बोल, जहां भी साथ आ जाती है, एंडेमिक आ जाता है, तो उस पूरे एरिया की बस्ती के लोगों को लिए
उबल कर पानी लेना, पानी जो है ना वो उबाला हुआ, और 20 मिनट्स तक आपको पानी बॉईल करना होगा। वो बॉइलिंग से क्या हो जाता है, ये जो वायरस है ना पूरा खत्म हो जाता है हीट के द्वारा। इट कैन सर्वाइव मोर देन 10 वीक्स इन द वेल वाटर। ध्यान से सुनिए, जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं, विलेजेस की बात करते हैं, वहां पर ज्यादातर पानी वेल का लिया जाता है। तो वेल में ये जब बाई चांस वायरस कॉन्टेमिनेशन हो गया पानी का, तो 10 सप्ताह तक, 10 वीक्स, करीबन क्या बोल सकते हैं, 2 2.5 महीने वहां वायरस वो विहीर में, वो वेल में मौजूद होता है। और जो भी लोग उस वेल का पानी पिएंगे वो सबको सब जॉन्डिस हो जाएगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द क्लोरीन, क्लोरीन से शुद्धिकरण से कोई फायदा नहीं है, बट द वायरस कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय अल्ट्रा वायोलेट रेज। तो इसीलिए वेल के या जो भी ओपन एरियाज के पानी के सोर्सेस है उसके ऊपर सूर्य की उष्णता, सूर्य का दर्शन अच्छा होता है, तो ये बढ़िया बात है। एंड बाय बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट, बट आई विल से बॉइल्ड वाटर शुड बी टेकन मिनिमम 15 to 20 मिनट्स, दैट कैन किल ईच एंड एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखिए, ह्यूमन केसेस। अभी हम मानव के बात करते हैं, तो हमारे मानव में ह्यूमन केसेस में रिजर्वायर ऑफ इंफेक्शन, मतलब ये इंफेक्शन ऐसा नहीं है कि किसी कैट या डॉग को या एनिमल को हो गया और बाद में आपको हो गया। ये पहला जहां पर ये वायरस मौजूद होता है वो है सिर्फ मानवीय शरीर। हाँ, उसमें से पहले कई लोगों को ऐसा होता है कि कुछ सिम्टम्स नहीं मिलते, पीलिया रंग नहीं आता आंखों को या नाखून को, तो उसको बोला जाता है असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन आर कॉमन इन द चिल्ड्रेन। बच्चों में कई कबार ऐसा होता है कि वायरस तो होता है शरीर में, फिर वो कोई लक्षण नहीं दिखाता। ट्रांसमिशन ऑफ हिपेटाइटिस ए, HAV का मतलब, ये HIV नहीं है, गलत फहमी मत करना, एड्स की चर्चा नहीं कर रहे हम। HAV मतलब का है हिपेटाइटिस ए वायरस। इसका जो एक दूसरे की तरफ, इस शरीर से दूसरी तरफ जाने वाली की जो संभावना है, ये मैक्सिमम फ्रॉम 2 वीक्स बिफोर और 1 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस, मतलब पीलिया व्याधि उत्पन्न होने से पहले 2 हफ्ते तक और उत्पन्न होने के बाद 1 हफ्ते तक, वो जो व्यक्ति है जिसको जॉन्डिस हो गया है, वो उसका शरीर का वायरस इधर उधर फैला हो सकता है, उसकी टट्टी के द्वारा, और टट्टी के ऊपर मछलियां, मतलब क्या बोलते हैं ना, ये अन्नपान के ऊपर जब बैठ जाएगी तो ये व्याधि आपको हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन फीसिस, कौन सी पॉसिबिलिटी है देखिए, आप यहां पर लिखा हुआ है ह्यूमन फीसिस, महत्वपूर्ण बात है, टट्टी की बात, ब्लड, सीरम, रक्त के द्वारा और अदर फ्लूइड्स आर इन इफेक्टिव ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ वायरेमिया। इसका ऊपर ज्यादा कोई असर नहीं होता। HAV इज एक्सक्रीटेड इन द फीसिस फॉर 2 वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस अप टू द 2 वीक्स देयर आफ्टर, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। वायरस कैन ऑल्सो बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, बहुत रेयर है, फिर हो सकता है कि पेशाब के द्वारा भी ये वायरस बाहर निकल सकता है। क्लिनिकल वैरायटी इंक्रीजेस विद द एज, जब आदमी का एज ज्यादा है तो उसके लक्षण जो है ज्यादा क्लियर क्लियर आ जाएंगे। इम्यूनिटी आफ्टर द अटैक लास्ट फॉर द होल लाइफ, मतलब बाय चांस किसी को पूरा का पूरा 100% जॉन्डिस हो गया है, तो ऐसी उसके शरीर में अपनी आप एक प्रकार की इम्यूनिटी आ जाती है, और उसके बाद दोहरा, मतलब सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम ये जॉन्डिस होने की शिकायत बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो जो एक बार होने से जो इम्यूनिटी मिलती है वो पूरी लाइफ तक उसका बचाव कर सकती है। ठीक है, द इम्यूनोग्लोबिन या IgM जो एंटीबॉडी है वो अपियर्स अर्ली इन द इलनेस एंड परसिस्ट फॉर 90 डेज, मतलब ये हमारी खून की जांच है, खून की जांच करने के बाद ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं, ये IgM नाम के, वो हमारे खून में मिल जाते हैं। इसके द्वारा पता चलता है कि ये इस व्यक्ति को ये फलाना फलाना इन्फेक्शन अभी अभी हो गया है। आगे देखते हैं, पेशेंट्स आर सीन थ्रू द ईयर्स बट द डिसीज इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ हेवी रेनफॉल। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बारिश के दिनों में ही ये बीमारी हो सकती है, ये गर्मी के दिनों में हो सकती है, ठंड के दिनों में हो सकती है। फिर पॉसिबिलिटी, ज्यादातर संख्या शास्त्र के हिसाब से स्टेटिस्टिक्स ने ऐसा प्रूव किया है कि इसका जो फैलाव है वो ज्यादातर रेनी सीजन्स में दूषित पानी के द्वारा, दूषित अन्न के द्वारा ये ज्यादा फैलाव हो जाता है। पुअर सैनिटेशन ये
बार बार मैं कह रहा हूं, ओवरक्राउडिंग, ज्यादा लोग एक इकट्ठा मिलकर रह रहे हैं और उनके पास पास की जो गंदगी है वो ये फैलाव करने में मदद करते हैं। ये विच गिव्स राइज टू द वॉटर बॉर्न और द फूड बॉर्न एपिडेमिक्स, ये दोनों है, मतलब दूषित अन्न और दूषित जल के द्वारा ये वायरस का फैलाव हो जाता है। अभी देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यहां पर देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका फैलाव कैसे होता है। नाम क्या लिखा है देखिए, फीकल ओरल रूट, फीकल ओरल। मैं बार बार ये कह रहा हूं आपको कि फीकल मैटर ओपन एरियाज में मतलब रखे गए या बच्चे उनको बाहर बिठाया गया टट्टी के लिए, उनके पास लैट्रिन की सुविधा नहीं है, ज्यादा पुअर इकोनॉमिकल स्टेटस में ये सब हो जाता है, गरीब लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। और बाद में फ्लाइज जो होते हैं, फ्लाइज हाँ, वो टट्टी पर बैठते हैं और खान पान में बैठते हैं और वो पूरे उनके पंख के द्वारा ये वायरसेस का फैलाव हो जाता है, दूसरा आदमी वो खान पान करता है और उसको काबिली या जॉन्डिस हो जाता है। समटाइम्स डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ये बहुत रेयर है, और इनडायरेक्टली टू द कॉन्टेमिनेटेड वाटर, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए किसके द्वारा फैला हो जाता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर का मतलब दूषित पानी, कॉन्टेमिनेटेड फूड का मतलब दूषित अन्न, कॉन्टेमिनेटेड मिल्क दुग्धपान। डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑकर्स टू द कॉन्टेमिनेटेड हैंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइक यूटेंसिल, मतलब एक काल्पनिक तरीके से देखिए आप कि पेरेंट्स हैं और वो बच्चे का साफ सुथरे मतलब ये रखते हैं, टट्टी साफ करते हैं और बाद में बिना सोचे समझे कुछ भी व्यक्ति मिलने को आती है और उसके साथ सेकेंड कर लेती है, तो उसके हाथ अभी पूरे तरह से सैनिटाइज नहीं हुए हैं, वो डेटॉल वगैरह इस्तेमाल करके उन्होंने सेवलॉन उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है, तो हो सकता है कि वायरस वो इस हाथ से उस हाथ पर जा सकता है। तो हाथ पैर की स्वच्छता ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप टॉयलेट को जाएंगे, बच्चा जाएगा, खुद जाएंगे, तो बाहर आने के बाद टट्टी साफ करने के बाद आपको अपने हाथ और पैर, या आदत ही डालनी चाहिए, जैसे हमारे कोरोना में आदत पड़ गई थी कि खाना खाने से पहले हाथ पैर धोने की नितांत आवश्यकता है, नहीं तो ये पीलिया रोग आपको हो जाएगा। ठीक है, और बाहर का जो स्ट्रीट फूड आप खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते समय बहुत ही परहेज रखना पड़ेगा। आप वड़ा पाव खाते हैं, आप पानी पूरी खाते हैं, है ना, खाते हैं ना, मेरे को मालूम है। और एक महत्वपूर्ण, ये गर्मी के दिन चल रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 2024, हाँ ये अप्रैल महीना चल रहा है, बहुत हीट है बाहर, 38, 39, 40 डिग्री, और लोग हमेशा शुगर केन जूस उसका रस पीते हैं, तो उसमें बर्फ डालने को लोग बोलते हैं, तो ये बर्फ डालने से सावधान, क्योंकि बर्फ जो बना जाता है वो किस पानी से बनाया है किसी को पता नहीं होता, बाहर से सब बर्फ एक जैसे दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट दिखते हैं और उसका स्पर्श इतना अच्छा लगता है अपने मुंह में, हाँ ठंडा ठंडा कूल कूल, कि लोग पीने को मोहित हो जाते हैं, फिर घर जाकर आइदर डायरिया चालू हो जाता है या कभी कभी टाइफाइड हो जाता है या कभी कभार ये जॉन्डिस भी होने की संभावना होती है। ठीक है, ओके। देन पेरेंटल रूट इज वेरी रेयर, मतलब इंजेक्शन के द्वारा वगैरह ये वायरस नहीं जाता। सेक्सुअल ट्रांसमिशन में ऑकर अमंग द होमोसेक्सुअल मैन बिकॉज ऑफ द ओरल कॉन्टैक्ट, कभी कभार जो मतलब होमोसेक्सुअल जो लोग हैं उनके जब सेक्सुअल एक्टिविटी चलती है तो इसमें ये फैला होने की भी संभावना है। अभी देखिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब आपके शरीर में वायरस तो आ गया, फिर उसके द्वारा जो लक्षण बनने चाहिए उस दौरान कितना टाइम जाता है, 10 to 15 days। देखिए करीबन 2 महीने का सवाल है, जब हमारे डॉक्टर के पास टाइफाइड के पेशेंट आते हैं या जॉन्डिस के पेशेंट आते हैं या कॉलरा के पेशेंट आते हैं, इस ज्यादातर मैं अभी जॉन्डिस की बात कर रहा हूं, तो हम हमेशा पूछते हैं कि पहले वाले दो महीने में मेरे मेरे यहाँ आने से पहले ये 2 महीने आप कहाँ पर टूर पर गए थे, क्या ट्रिप के यहाँ गए थे, क्या आपने पानी कैसा पिया, आपने उसका रस कितना पिया, शुगर केन जूस कितना पिया, हाँ ये सब चीजें हमें बार बार पूछनी पड़ती है क्योंकि हमें पता चल जाता है। और पूछते हैं कि जब गांव गए थे उधर किसी को जॉन्डिस हो गया था का, वो कहते हैं हाँ यार हमारे जो रिश्तेदार थे उनको एक जॉन्डिस हो गया था बच्ची को, है ना, तो ये ऐसा ट्रांसमिशन हो सकता है, तो उसके लिए 10 to 15 days की जो मर्यादा है उसके अनुसार हम हमारा ध्यान देते हैं। ठीक है, अभी लक्षण के बारे में देखेंगे, नौशिया मतलब उल्टी जैसी संभावना, नौशिया बोलते हैं, वोमिटिंग, प्रत्यक्ष छर्दी या उल्टी होना, एनोरेक्सिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
भूख नहीं लगती और मंद सा बुखार आ जाता है। जॉन्डिस अपीयर्स विद इन द फ्यू डेज बट अनएक्टेरिक हिपेटाइटिस इज ऑल्सो कॉमन। मतलब पीलिया रंग तो आने वाला ही है, फिर भूख न लगना, ये जो तकरार है, ये जो शिकायत है, वो पीलिया रंग आने से पहले। पीलिया रंग आंखों को पीलिया रंग या नाखून को पीलिया रंग आने से पहले करीबन एक सप्ताह पेशेंट की तकरार शिकायत रहती है कि अभी एक दिनों में ना मेरे को कोई इच्छा नहीं होती खान पान, कुछ खाने को जी नहीं कर रहा मेरा, बिल्कुल जी नहीं कर रहा। राधर जब खाना सामने आता है तो मेरे को उल्टी जैसा लगता है। तो दीज आर द वार्निंग सिग्नल्स, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये बिगिनिंग हो सकता है, शुरुआत हो सकती है, आपको 2-3 दिन में पीलिया व्याधि होने की संभावना हो जाएगी। ऐसे हमारे डॉक्टर्स कुछ बहुत एक्सपर्ट, मतलब पटाने में एक्सपर्ट होते हैं, वो ऐसी बता देते एज लाइफ लाइक ए वेरी एक्सपर्ट डॉक्टर ऑफ द फॉरवर्ड डायग्नोसिस। तो पेशेंट को अचरज होती है कि ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मेरे को जॉन्डिस होने वाला है, वो लक्षण के द्वारा बताते हैं। जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे पूरा वीकनेस आ रहा है, दुर्बलता महसूस हो रही है, खान पान में मेरे को बिल्कुल रुचि नहीं है, खाना सामने आ गया तो मेरे को उल्टी जैसा लगता है, इससे हमें अंदर वाले इनर माइंड में हमारी इंटेलिजेंस बुद्धि चलाकर हम सोच सकते हैं ये पेशेंट अभी जॉन्डिस में चला जाएगा। तो हम बता देते, थोड़ी सी 1-2 दिन हम रुकते हैं, अभी तो मैं आपको कुछ टॉनिक वगैरह देता हूँ, उससे भूख बढ़ेगी। फिर ध्यान रखिए कि आपकी पेशाब, आपके आंख, आपके नाखून, तीन चीजें, पेशाब, आईज एंड द नेल्स, इफ दे बिकम येलो इमीडिएटली कम टू मी। ये इसको पीला रंग आने चालू हो गया होने की संभावना है आपके बारे में, ऐसे हम पेशेंट को बताते हैं। तो जब योर पेशाब, आपकी पेशाब पीली हो जाएगी, आंखें पीली हो जाएगी, तुरंत मेरे पास आ जाइए क्योंकि आपका खून जांच की करने की जरूरत है या पेशाब की जांच करने की जरूरत है। पेशाब की जांच आसान होती है और कम कीमत वाली होती है। हम पेशाब में 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। इसमें से जो केमिकल टेस्ट है उसमें अल्ब्यूमिन होता है, शुगर होता है, बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है और कीटोन बॉडीज होते हैं। तो पीलिया व्याधि डायग्नोस के लिए बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट ये टेस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेशाब की लेबोरेटरी में जाकर जांच कर, पेशाब में बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट प्रेजेंट आ गए, इसका मतलब आपको जॉन्डिस है। तो डॉक्टर ये पेशाब की ठीक है, तो लोग डॉक्टर हमारे बोलते हैं खून की भी जांच करवा, क्यों डॉक्टर साहब, ये तो अभी बहुत अच्छा कह दिया आपने कि पेशाब की जांच करने से हो जाएगा। भैया ऐसा है ना कि आपका जॉन्डिस कितनी तीव्रता का है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये देखने के लिए बिलिरुबिन की लेवल भी जरूरत होती है, वो खून के जांच से पता चलता है। जितना बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा उतना अपना जॉन्डिस सीवियर है, और जैसे जैसे हमारे ट्रीटमेंट के द्वारा बिलिरुबिन की लेवल कम हो जाएगी तो जॉन्डिस ठीक हो रहा है और खान पान भी सुधार जाएगा। आप तो दोनों तरीके से देखते हैं, एक को बोलते हैं सब्जेक्टिव पैरामीटर और दूसरे को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पैरामीटर, है ना। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीजें आपको मैं बता रहा हूं। डायग्नोसिस ये देखिए यहां पर लिखा है लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि यकृत खराब हो जाता है तो उसमें आ जाता है बिलिरुबिन, आ जाता है प्रोटीन्स, आ जाते हैं SGOT नाम का एक एंजाइम होता है, SGPT नाम का एक एंजाइम होता है, अल्कलाइन फॉस्फोटेज, ये सब उसके अंदर ही आ जाते हैं, आपको रिपोर्ट में देखो मिलेंगे। ये हाई बिलिरुबिन लेवल होती है और SGOT और SGPT ये जो एंजाइम्स है लीवर वाले, उसकी भी मात्रा, उसका प्रमाण बढ़ जाता है। स्पेसिफिक वायरल एंटीजेंस, एक स्पेसिफिक एंटीजन हमें फाइंड करना है तो हम टट्टी की भी जांच करवा सकते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करवाते, बाइल ब्लड भी टेस्ट करवा सकते हैं। NTHAV हिपेटाइटिस ए वायरस अपीयर्स इन द इम्यूनोग्लोबिन IgM फ्रैक्शन ड्यूरिंग द एक्यूट फेज। जब जॉन्डिस का एक्यूट फेज आशुकारी अवस्था चल रही है, 1-2-4 दिन की बात चल रही है, तो ये IgM पॉजिटिव आ जाएगा, इसकी लेवल हाई आ जाएगी। NTHAV IgM इज नॉट डिटेक्टेबल विद इन 3 to 6 months, इज नॉन डिटेक्टेबल, तो ये इसका पता नहीं चलता 6-6 महीने तक। NTHAV IgG ये देखिए, ये अलग इम्यूनोग्लोबिन है, प्रथिन है एक प्रकार का,
appears in the immediate after onset of the disease and persists for decades. देखिए ये IgM तो चला जाएगा, ये तो सिर्फ टेम्पररीली आपके खून में आ जाएगा, फिर IgG लेवल जो है एक बार हो गया तो पूरे 2-3-4-5 साल वो IgG आपके खून में प्रेजेंट रहेगी, उसकी मात्रा उसका प्रमाण ज्यादा प्रेजेंट रहेगा क्योंकि इट इंडिकेट्स द क्रॉनिकसिटी ऑफ द डिसीज। उसके आगे चलकर यहां पर एक अलग तरीके की टेस्ट अभी लोग करवाते हैं जिसका नाम है ELISA। ये बहुत सारी बीमारियों में करवाते हैं। ELISA इज द मेथड ऑफ चॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेजरिंग HAV एंटीबॉडीज। तो हम डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पैथोलॉजिस्ट के लिए, डियर पैथोलॉजिस्ट प्लीज डू ELISA टेस्ट फॉर HAV, इस वायरस के लिए ELISA टेस्ट बना लीजिए और उसका रिपोर्ट आने के बाद तुरंत पता चलता है कि इसको जॉन्डिस है या नहीं। आगे चलते हैं। अभी हमेशा मैं कहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हो जाने के बाद ट्रीटमेंट करने के बजाय मुझे पीलिया रंग, मुझे जॉन्डिस नहीं होनी है, इसके लिए आपको क्या क्या परहेज रखना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ द रिजर्वायर इज डिफिकल्ट ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ सब क्लिनिकल केसेस, मतलब पता ही नहीं चलता कि कौन से लोग ये अभी वायरस ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसका फैलाव कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिम्टम ही नहीं है, सिम्टम नहीं है, फिर वायरस उनके शरीर में है, टट्टी के द्वारा वो पास भी हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो इट इज समथिंग डिफिकल्ट हो जाता है। लो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, गरीब लोगों में ये ज्यादा बीमारी हो सकती है। फिलहाल एक डॉक्टर लोग हम क्या करते हैं, जिम्मेदारी नोटिफिकेशन, जब हमारी हिस्से में हमारी प्रैक्टिस में जब भी कोई पेशेंट पीलिया रंग का आता है और ज्यादा लोग आते हैं एक आधे कम्युनिटी से, तो तुरंत हम कारपोरेशन को बता देते कि भैया देखिए यहाँ पर ज्यादा इसका फैलाव हमें देख रहा है, आप जाकर तुरंत कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर जो है उसका अवलंब कीजिए। ठीक है, कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए उस जिसको भी ये बीमारी होगी, 100% बेड रेस्ट चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन बेड में बिठाना है, फिर बाहर घूमने फिरने से वो लीवर की जो तंदुरुस्ती है उसको टाइम लगता है। तो लीवर की तंदुरुस्ती देखा जाए तो नैसर्गिक तरीके से हो जाती है हिपेटाइटिस ए में, नैसर्गिक है, नॉर्मल। 3 हफ्ते तक आपने हमारी स्कूल के ऊपर, नौकरी के ऊपर, बिजनेस में सब छुट्टी ले ली और आराम कर दिया, घर में कुछ बुक्स पढ़ती रही है या अपनी अपनी कुछ कर्तव्यता करती रही है, तो इसके द्वारा लीवर अपनी आप ठीक ठाक हो जाती है। तो बेड रेस्ट इज द ओनली बेस्ट मेडिसिन फॉर हिपेटाइटिस ए जॉन्डिस। ओके, डिस इन्फेक्शन ऑफ द फिजिकल मैटर जो है वो अच्छी तरह से उसका निचरा करना चाहिए, फोमिट्स जो उल्टी वगैरह होती है उसका भी अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। उसके कैसे कर सकते हैं, वो 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड इज इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट, इसके द्वारा वो जंतु मर जा सकते हैं। अभी देखिए बेस्ट वे टू कंट्रोल ट्रांसमिशन इज अ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, जैसे मैंने बार बार कह रहता हूं कि हाथ हमेशा अच्छी तरह से धोना बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर टॉयलेट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ द एक्सक्रीटा, ये मल जो एक्सपोज ऑफ करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, उसका अच्छा तरीका, अच्छी तरीके की लैट्रिन होनी चाहिए। प्रिवेंट द कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिल्क। प्यूरिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी वाटर, जो वेल्स हैं या डैम है उसका प्यूरिफिकेशन होने की जरूरत है, और घर में हम बॉइल्ड वाटर ही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर ऑटोक्लेविंग ऑफ सिरिंजेस, डॉक्टर लोगों के पास अभी तो ज्यादातर कोई ऑटोक्लेव नहीं करते, ज्यादातर डिस्पोजल सिरिंज और नीडल का इस्तेमाल किया जाता है, वो बढ़िया चीज है। कंट्रोल ऑफ ससेप्टिबल पॉपुलेशन कैन बी डन, यहां पर देखिए जो भी आशंका है कि इस पॉपुलेशन में, कॉर्पोरेशन को समझ में आता है कि इसमें फैलाव ज्यादा हो रहा है, तो नॉर्मल प्रिवेंटिव के तरीके से ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन हम दे सकते हैं जिसके द्वारा पैसिव इम्यूनिटी मिल जाएगी। इट इज एडवाइज टू ससेप्टिबल पर्सन ट्रेवलिंग टू द हाईली एंडेमिक एरिया, जहां पर आप ट्रेवल कर रहे हैं उधर के एरिया में अभी कोविड के साथ है, जॉन्डिस के साथ है, तो आप इधर से ही निकलते हुए, ट्रैवलिंग को निकलते पहले ये इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये देखिए यहां पर वैक्सीन की चर्चा चल रही है, कौन से है वैक्सीन, 4 इनएक्टिवेटेड हिपेटाइटिस ए वैक्सीन आर अवेलेबल इंटरनेशनली, जागतिक स्तर पर वो अवेलेबल है। वैक्सीन आर गिवन पेरेंटरली, हमारी मसल्स में दिया जाता है इंजेक्शन 6-18 मंथ अपार्ट, मतलब पहला इंजेक्शन देने के बाद 6 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है, नहीं तो 1.5 साल के बाद भी दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है।
कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन ऑफ इनएक्टिवेटेड हिपेटाइटिस ए एंड रिकॉम्बिनेंट फॉर चिल्ड्रन बिलो वन ईयर थ्री डोजेस आर गिवन 0-1-6 month शेड्यूल, एक टिपिकल वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, उस देने से आपको बिल्कुल फायदा मिल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो दवा की बात है वो तो आखिर में करने वाला हूं, अभी हम बात करेंगे हिपेटाइटिस बी के बारे में। हाँ, हिपेटाइटिस ए के बजाय हिपेटाइटिस बी की जानकारी हर एक व्यक्ति को होने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? दिस इज मोर डेंजरस। हिपेटाइटिस बी ये एक के ए हिपेटाइटिस एक से लेकर बहुत 100% 200% मोर डेंजरस है। तो हिपेटाइटिस बी, आपको जब लोग बोलते जॉन्डिस हो गया जॉन्डिस हो गया, तो पूछना चाहिए कि कौन से वाला जॉन्डिस है, ए वाला नॉर्मल है जॉन्डिस या बी वाला, बता दिया है आपको, ठीक है। ये जॉन्डिस पुराने वाले जमाने में उसको सीरम हिपेटाइटिस नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब भी दूषित रक्त दिया जाता था डोनर के द्वारा रिसिपियंट को, तो उस व्यक्ति को ये जॉन्डिस होने की संभावना ज्यादा थी, रक्त के द्वारा, दूषित रक्त के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता था, इसीलिए उसका नाम सीरम हिपेटाइटिस उस जमाने में था। अभी सब लोग हिपेटाइटिस बी कहते हैं। दिस इज एक्यूट सिस्टमिक इंफेक्शन, अचानक होने वाली चीज है। मेन पैथोलॉजी इज इन द लीवर, यकृत खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ द बी नाम का वायरस है। ट्रांसमिटेड बाय ओनली पेरेंटरल रूट, इंजेक्शन के द्वारा, सलाइन द्वारा या दूषित रक्त द्वारा यह फैल जाता है। हिपेटाइटिस बी इज एन एंडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, यह सभी जगह हो सकता है। 60-80% ऑफ ऑल प्राइमरी लिवर कैंसर। देखिए, हिपेटाइटिस बी एक प्रमुख कारण है हमारा लीवर का कैंसर होने के लिए। लीवर कैंसर का प्रमुख कारण, लीवर कैंसर का प्रमुख कारण हिपेटाइटिस बी, लीवर कैंसर का प्रमुख कारण हिपेटाइटिस बी। जब आप सुनेंगे कान से फलाने फलाने व्यक्ति को, रिश्तेदार हो मित्र हो, उसको लीवर कैंसर हो गया, तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए वो पेशेंट दारू पीता था क्या, वो हमारा मित्र, वो हमारा रिश्तेदार मद्यपान करता था क्या, नंबर वन। दूसरी बात पूछनी चाहिए, उसको अभी अभी कुछ ब्लड डोनेट किया था क्या, मतलब उसको लगा दिया था का ब्लड, खून की बॉटल चढ़ाई थी क्या, ये पूछनी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में आना चाहिए ये दूषित अन्नपान वाली जॉन्डिस नहीं है। हाँ, ये फैलाव जो होता है वो ज्यादातर इंट्रावेनस इंजेक्शन या सलाइन या ब्लड के द्वारा होता है, ठीक है। तो कैंसर के बहुत एक बड़ा कारण है। एचबीवी बी वायरस मेन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन, जिसके द्वारा विकलांगता आ जाती, परावलंबित्व आ जाता है, असेटिस हो जाएगा, बार बार टैपिंग करना पड़ेगा, पूरे आयुष्य भर जीवन भर आपको दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी। क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी, हमारा जो जीवन मान का एक स्तर होता है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। आप जी तो लेंगे, फिर जीने में मजा नहीं रहेगी, और उसके साथ साथ कई लोग मृत भी हो जाएंगे, मर जाएंगे बिकॉज ऑफ द लीवर कैंसर। आगे देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। यहां पर देखिए, एजेंट जो बी वायरस है वो उसका वर्णन किया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि 42 नैनो मिलीग्राम है, डबल स्ट्रेंड है, डीएनए नाम का एक वायरस है, मतलब डीएनए उसकी क्वालिटी है या स्ट्रक्चर है। प्रीवियसली इट वॉज नोन एज ए डाने पार्टिकल, उसको एक अलग नाम था दाने पार्टिकल, वो माइक्रोस्कोप के नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, वो लीवर जब हम तपास करते थे तो ये दाने पार्टिकल मतलब वो दिखा जाता था। इट इज रिप्लिकेटिंग इन द लीवर सेल, उसके 2 का 4, 4 का 8, ये जो नंबर बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो लीवर में होती है। दीज पार्टिकल्स आर एंटीजेनिक, उसके द्वारा स्टिमुलस मिल जाता था लीवर को और खराबी हो जाती थी, एंड स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ सरफेस एंटीबॉडीज। प्यूरिफाइड 2-2 nm पार्टिकल्स ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हिपेटाइटिस बी वैक्सीन। अभी के जमाने में हिपेटाइटिस बी वैक्सीन इज अवेलेबल एंड दिस इज द बेस्ट वैक्सीन, दिस इज द बेस्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यू। आपको हिपेटाइटिस बी होने से बचना है तो आपको हिपेटाइटिस बी वैक्सीन लेने की जरूरत है। ऐसे में हाथ जोड़कर बताता हूं, आप हर एक व्यक्ति चाहते हैं ना कि आपको लीवर कैंसर नहीं होना है, हर एक व्यक्ति चाहते हैं ना कि हेपेटाइटिस बी नहीं होना है, तो
कृपा करके हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद लेते रहिए। समझ में आ गई बात? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। प्रतिबंध करना उपचार से भला होता है। मैन इज द ओनली रिजर्वायर ऑफ इंफेक्शन। प्राणी मात्रा में नहीं होता, एनिमल्स में नहीं होता, मनुष्य मात्रा में होता है। ठीक है? विच कैन बी स्प्रेड आइदर फ्रॉम कैरियर्स और फ्रॉम पेशेंट्स। जो इनके पेशेंट होते हैं उनके द्वारा उसका फैलाव हो जाता है। रिस्क ऑफ एन एडल्ट बिकमिंग ए कैरियर फॉलोइंग एक्यूट इन्फेक्शन इज 5 to 10%। इट इन्फेंट्स दिस पॉसिबिलिटी इज 50%। वो कैरियर बन जाते हैं। आगे चलते हैं। कॉन्टेमिनेटेड ब्लड, यहां पर देखिए, जो दूषित रक्त, बार बार पहले वाले हेपेटाइटिस ए में मैं दूषित अन्न पान की, अन्न जल की बात कर रहा था। अभी मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हेपेटाइटिस बी के लिए मैं बता रहा हूं कि दूषित रक्त, ये बात दिमाग में डालिए। बी वायरस के लिए, यकृत की बीमारी है। वायरस हैज बीन फाउंड इन द बॉडी सिक्रीशंस। कहाँ कहाँ ये मिलता है? सलाइवा, लार बोलते हैं ना, सलाइवा में। वजाइनल सिक्रीशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सीमेन ऑफ द पेशेंट, इसमें ये वायरस है। देखिए कितना अलग है। हिपेटाइटिस बी वायरस अलग है, डेंजरस है, धोखादायक है, लीवर कैंसर हो जाएगा। और कहां पर ये वायरस मिलता है? सलाइवा में। कहां वायरस मिलता है? स्त्रियों के वजाइना में। कहां मिलता है? पुरुष के सीमेन में। तो वायरस इज क्वाइट स्टेबल, सर्वाइविंग फॉर मेनी डेज ऑन द एनवायरमेंटल सर्फेस। कितने दिन तक वो वहां के वहां जीवित रह सकता है। एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय ओनली ऑटोक्लेव। जब भी कोई चीज हम ऑटोक्लेव करेंगे 30 to 60 मिनट, तभी वायरस मर जाएगा। देखिए, द वायरस इज प्रेजेंट इन द ब्लड ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड एंड एक्यूट फेज ऑफ द डिसीज। पहले वाले बीमारी के पहले वाले 8-10 दिन में, या बीमारी होने के तुरंत बाद ये वायरस प्रेजेंट रहेगा। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज सेवरल मंथ्स टू सेवरल ईयर्स इन क्रॉनिक डिसीज, क्रॉनिक केसेस। जो भी पेशेंट है उनके द्वारा इसका फैलाव कितने महीने तक और कितने सालों तक हो सकता है? आगे देखते हैं। ये देखिए, होस्ट फैक्टर्स, आउटकम्स ऑफ द एचबी, ये बी वायरस है, एज डिपेंडेंट। मतलब एक्यूट हेपेटाइटिस बी ऑकर्स 30% इन चिल्ड्रन, बच्चों में 30% हो जाएगा मोर देन 5 ईयर्स। ओके? एंड 10% इन द चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 ईयर्स। इसमें इतनी ही पॉसिबिलिटी है। रिस्क ग्रुप्स, कौन किन व्यक्ति को ये बी वायरस होने की संभावना है? लीवर सिरोसिस होने की संभावना है, लीवर कैंसर होने की संभावना है, किन लोगों को? देखिए यहां पर, रेसिपियंट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिनको बार बार खून लेने की जरूरत होती है, जिनको भी शरीर में हिमोलाइटिक एनीमिया है, थैलेसेमिया की बीमारी है, हीमोफीलिया की बीमारी है, पुलीज एनीमिया है, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, और क्या, आई टी पी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, आईटीपी। इन सब पेशेंट को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत होती है। और जब जो खून चढ़ाया जा रहा है उसका अच्छी लैब से बनाया हुआ हिपेटाइटिस बी का रिपोर्ट, क्योंकि वो खून की, जो खून चढ़ाने वाले हैं, उसका रिपोर्ट कृपा करके देखिए। मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, आपके किसी रिश्तेदार को, आपके किसी फ्रेंड्स को बार बार खून देने की जरूरत होती है, या एक बार भी देते हैं, सर्जरी के पहले देते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान देते हैं, लेडीज को देते हैं, तो कृपा करके जो खून का रिपोर्ट है ना, मेरे प्यारे दोस्तों, आप डॉक्टर जी को हाथ प्रणाम कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे को रिपोर्ट देखना है, देखना है, कृपा करके दिखाइए। और उसमें लिखना चाहिए हिपेटाइटिस बी निगेटिव। हिपेटाइटिस बी की टेस्ट उसमें होनी ही चाहिए। इसे मैं कहता हूं कि आरोग्य विषयक साक्षरता। कोई नहीं बताता आपको, नर्सेस कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, जाइए जाइए, ठीक है, सब ठीक है, जाइए, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जाइए जाइए। ऐसा नहीं है। अभी जो एनएबीएच चल रहा है ना,
उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे हक और अधिकार पेशेंट के भी है। रुग्ण को, पेशेंट को यह हक है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स आपकी आंखों से देख सकेंगे, मतलब देख सकेंगे, और उनको दिखाना ये डॉक्टर की, ये अस्पताल की, ये क्लिनिक की जिम्मेदारी बनती है। तो मैं डॉक्टर लोगों को आह्वान करता हूं कि दिखाइए ना आपका क्या जाता है, कि ये जो खून चढ़ाया जा रहा है उसकी, खून की हिपेटाइटिस बी टेस्ट निगेटिव आई है, HIV टेस्ट निगेटिव आई है, इसीलिए हम ये खून दे रहे हैं, सेफ दे रहे हैं। क्या हो जाता है कि बाद में ये बीमारी आ जाती है और पूछताछ में आप लग जाते हैं, वो केस कर देते हैं, कोर्ट में जाते हैं, फलाना फलाना कोट्यवधि लाखों रुपए का जुर्माना आप डॉक्टर के ऊपर लगा देते हैं। तो ये पहले कीजिए ना यार, पहले कीजिए ना भैया, बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं, ऐसे मैं आपको पूछ रहा हूं। समझ रहे ना बात थोड़ी थोड़ी? ठीक है, कुछ आशंका है तो कमेंट्स में लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि सीखना सिखाना ये मेरी पैशन है। तो पहले मैंने बता दिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात, हेल्थ केयर एंड लेबोरेटरी पर्सनल जो भी ज्यादातर खून की तरफ काम करते हैं उनको ये शिकायत हो सकती है। होमोसेक्सुअल्स मतलब जो सेक्स होता है वो मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, मेल टू मेल, ये जेंडर है ना, जनरली सेक्स कैसे करते हैं, मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल करते हैं ना, तो ये नहीं, ये लोग होमोसेक्सुअल है, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्यागमन जो लोग करते, कॉल गर्ल्स, परक्यूटेनियस ड्रग एब्यूजर्स। तो मैं विनंती करता हूं कि सेफ सेफ सेक्स की आप हमेशा चर्चा कीजिए। लोगों को पता नहीं होता सेफ सेक्स क्या होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के पास, कॉल गर्ल के पास जाते हैं, कंडोम नहीं लगाते, बहुत ही धोखादायक है। ये हिपेटाइटिस बी है ना, ध्यान से सुनिए, हिपेटाइटिस बी इज सेम सेम डिक्टो, उसी तरह उसका फैलाव हिपेटाइटिस बी का भी होता है, जैसे HIV का फैलाव होता है उसी तरह हिपेटाइटिस बी का भी फैलाव सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा होता है, लैंगिक संबंध के द्वारा हिपेटाइटिस बी का प्रसार होता है। आपके मन में सिर्फ HIV एड्स होता है, हिपेटाइटिस बी का कौन सोचेगा, किसी को मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। मैं कहता हूं आप बता दीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में, सर पहली बार मैंने सुना, बहुत 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 अच्छा लगा मेरे को सर, बहुत बढ़िया हमें सिखाते हैं वो क्या चीज है, ऐसे आप लिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो इसी के द्वारा ही ये जन जागरण हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, इन्फेंट्स और HBV कैरियर मदर्स, ये देखिए प्रेगनेंसी के दौरान भी माता को ये हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को भी होने की संभावना है, ठीक है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिसमें व्याधि प्रतिकारक क्षमता, इम्यूनिटी पहले से ही कम है, उन व्यक्तियों में हिपेटाइटिस बी ज्यादा हो सकता है। उसके एंटीजन के तीन प्रकार होते हैं, एक सरफेस एंटीजन, दूसरा कोर एंटीजन और ई एंटीजन। दे स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीजन के द्वारा ही एंटीबॉडीज की निर्माण प्रक्रिया चालू होती है। एंटीबॉडीज एंड देयर एंटीजन कॉन्स्टिट्यूट यूजफुल मार्कर फॉर बी वायरस, इसके द्वारा ही हम पता करते हैं ये इंफेक्शन है या नहीं है। अपीयरेंस ऑफ स्पेसिफिक, देखिए बहुत ही खून की जांच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हम करवाते हैं, सिर्फ बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट नहीं करवाते, सिर्फ LFT नहीं करवाते, दिस इज अ वेरी 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 स्पेसिफिक टेस्ट है, बी वायरस का शोध लगाने के लिए खून की जांच करवाते हैं, और उस टेस्ट का नाम है HBsAg, HBsAg, HBsAg खून का तपास, ब्लड टेस्ट, वेरी स्पेसिफिक फॉर हिपेटाइटिस बी जॉन्डिस। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, उसके साथ साथ यहां पर देखिए IgM और एंटी HBC कैन परसिस्ट फॉर नियरली 3 to 6 months। ये IgM वाली जो बॉडी मतलब प्रोटीन है वे हमारे खून में रह सकते हैं। HBeAg इंडिकेट्स वायरल रिप्लिकेशन एंड इन्फेक्टिविटी, परसिस्टेंस ऑफ HBeAg इन सीरम फॉर मोर देन 3 months इंडिकेट द चांसेस ऑफ डेवलपिंग क्रॉनिक हिपेटाइटिस बी। जब ये ज्यादा टाइम तक ये एंटीबॉडीज आपके शरीर में रहेगी तो उसका परिणाम परमानेंट तरीके से आपका लीवर डैमेज हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अभी अभी मैंने सब बातें कह दी है, ज्यादा नहीं उसके ऊपर टाइम लेता मैं आपका। हिपेटाइटिस बी इज अ ब्लड बॉर्न इंफेक्शन, सो पेरेंटल रूट इज फाउंड, बी वायरस ट्रांसमिटेड बाय द इंफेक्टेड ब्लड। ध्यान से सुनिए, दूषित जल नहीं, दूषित पानी नहीं, ये क्या है, ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट्स थ्रू ट्रांसफ्यूजन
डायलिसिस, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस एंड नीडल्स, प्रिक्स ऑफ द स्किन। देखिए कितना गंभीर बात है। हैंडलिंग ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, एक्सीडेंटल इनोकुलेशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द सर्जिकल एंड डेंटल प्रोसीजर। तो जहां आप सर्जरी करते हैं, जहां डेंटल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस डॉक्टर का एकंदर स्टेटस, उसकी स्वच्छता, उसका स्टरलाइजेशन प्रोसेस, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। कैसा भी चल रहा है काम, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, टटूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप टटू लगाते हैं तो भी ये इन्फेक्शन होने की चांसेस हैं। ईयर पियर्सिंग, जब आप कान को पियर्स करते हैं तो उसके साथ भी ये इन्फेक्शन जा सकता है। नोज पियर्सिंग, यहाँ जो महिला है ना, यहाँ पर पियर्सिंग करते हैं। सर्कम सीजन, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लेते हैं, इन सब में बी वायरस, हिपेटाइटिस बी वायरस की आशंका हो सकती है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एचबी कैरियर मदर्स टू द बेबीज ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, मदर के द्वारा बच्चे को यह इन्फेक्शन मिल सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज ऑल्सो कॉमन, पर्टिकुलरली इन द मेल होमोसेक्सुअल्स। ट्रांसमिशन फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन मे ऑकर थ्रू द स्किन कंडीशन लाइक इम्पेटिगो, स्केबीज विथ कट्स। जब जख्म है बच्चे को और दूसरे के साथ वो खेल रहा है, तो एक और दूसरे बच्चे को भी कुछ जख्म है हमारे हाथ पैर को, तो एक दूसरे को कॉन्टेमिनेशन स्केबीज के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, 50 to 180 days, मतलब ये वैसे ही बात है एचआईवी की तरह, 3, 4, 6 महीने तक पता नहीं चल सकता। आप सेक्स करवा लेते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के साथ, कॉल गर्ल के साथ, आप भूल जाते हैं वो मजा जो है, वो भूल जाते हैं। बाद में 6, 8 महीने के बाद एकाएक आपको कुछ लक्षण पैदा हो जाते हैं। हाँ, जॉन्डिस पैदा हो जाता है और आपको मालूम नहीं होता कि अभी अभी तो मैं ठीक ठाक था, अभी अभी कैसे ये हो गया। तो ये 6 महीने पुराने आपने जो गलती की थी उसका परिणाम अभी आपको भुगतने पड़ रहा है। कंडोम नहीं यूज किया था तो आइदर यू वे सफर फ्रॉम एचआईवी और हेपेटाइटिस बी वायरस। ओके, सेम एज अदर टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। डिफरेंशियल पॉइंट इज कॉम्प्लिकेशन विद द कैरियर स्टेट। उसका एक क्या कॉम्प्लिकेशन है, दुष्परिणाम है कि आप ज्यादा टाइम तक वो आपकी लीवर खराब हो जाएगी और लीवर कैंसर में वो परिवर्तित हो जाएगा। पहले लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, असेटिस भी हो सकता है। प्रिवेंशन के लिए नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, बट प्रिवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हिपेटाइटिस बी हो जाएगा, हो जाने के बाद ट्रीटमेंट नहीं है, सॉरी बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट आयुर्वेद या और कुछ दे सकते हैं, फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है तो उसका प्रतिबंध, प्रिवेंशन इज द ओनली ट्रीटमेंट। ध्यान से सुनिए, तो हिपेटाइटिस बी का वैक्सीन हमेशा लेना चाहिए बेस्ड ऑन द सरफेस एंटीजन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज ऑलवेज गिवन। 1 ml डोज ऑफ वैक्सीन कंटेन्स 20 माइक्रोग्राम्स ऑफ सरफेस एंटीजन। अल्टरनेट वैक्सीन अगेंस्ट हिपेटाइटिस बी वॉज फर्स्ट टाइम मार्केटेड इन अमेरिका में किया गया था 1987 में, बट दिस न्यूअर वैक्सीन इज मोर मोस्ट इफेक्टिव। डोज ऑफ द एडल्ट, यहां पर देखिए आप, अभी हम वैक्सीन की बात करें तो यहां पर देखना चाहिए 10 to 20 माइक्रोग्राम्स एट 0, 1 and 6 month शेड्यूल। ये शेड्यूल होता है, एक दफा देने से नहीं फायदा, उसको 3 इंजेक्शन आपको लगवाने पड़ेंगे। चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स आर गिवन हाफ द एडल्ट डोज एट द सेम टाइम इंटरवल, मतलब 0, 1 and 6 month। वॉट इज मीन बाय 0? आज मैंने इंजेक्शन ले लिया तो उसका मतलब है आज का दिन 0 काउंट करेंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद और उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। फॉर द बेटर एब्सॉर्प्शन डेल्टॉइड मसल इज प्रेफर्ड, यहां पर देना चाहिए। ध्यान से सुनिए, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ग्लूटियल मसल पर नहीं लेना है, कमर पर नहीं लेना। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन कमर पर नहीं लेना, यहां पर उसका शोषण ज्यादा अच्छा होता है। यहां पर लेना, यहां पर लेना, दाएं बाजू में, यहाँ डेल्टॉइड रीजन पर आपको लेना होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, बिकॉज इन ग्लूटियल मसल डिपोजिशन ऑफ द वैक्सीन ऑकर्स इन फैट रादर देन इन मसल, वो चला जाता है फैट में, मसल में नहीं रुकता। फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई इज यूज, देखिए बच्चों के लिए थाई रीजन पर दिया जाता है। बर्थ डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी कैन बी गिवन विथ बीसीजी, अभी के जमाने में जन्मतः बीसीजी वैक्सीन के साथ साथ हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द हाई रिस्क ग्रुप, जो ज्यादा धोखादायक लोगों की चाल चलन है, जीवन शैली है, उनके लिए नेसेसरी है। हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, जो भी ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई भी प्रोस्टिट्यूट्स या इसके पास जाते कॉल गर्ल के पास, उनके लिए वैक्सीन लगाना बहुत अच्छा है। इंजेक्टिंग द ड्रग यूजर्स, जो भी
ऐसा मतलब नहीं है कि ये वैक्सीन लगाकर आप कुछ भी चीजें करवा ले, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। फिलहाल बाई चांस आपको कुछ ऐसा हो सकता है तो आप प्रोटेक्ट कर दीजिए सेल्फ को, इतना ही मैं कह रहा हूँ। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एनी गोइंग टू द प्रोस्टिट्यूट्स और द कॉल गर्ल्स, बट दिस इज जस्ट ऑन द सेफर साइड, यू मस्ट टेक द वैक्सीनेशन। देन ड्रग यूजर जो होते हैं, एडिक्शन जिसको होती है ड्रग्स की, हेरोइन या कुछ, उनके लिए भी अच्छा है। पर्सन हु रिक्वायर द फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये तो हमेशा मैंने कह दिया कि थैलेसमिया के जो पेशेंट होते हैं, हिमोफीलिया के पेशेंट है, आईटीपी के पेशेंट है, उनके लिए भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरत है। दिस वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स ऑफ एलर्जी टू द वैक्सीन। जिनको एलर्जी है उनको कुछ अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा, इनके लिए हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स अवेलेबल है फॉर इंस्टेंट प्रोटेक्शन। जब भी आपको लगता है कि मेरे को ये अभी अनप्रोटेक्टेड मैंने सेक्स किया है और हेपेटाइटिस बी की लागण होने की संभावना है, तो तुरंत आपको ये इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जैसे कि कभार सर्जन्स को लेना पड़ता है। यहाँ पर मैं अभी ये बातें बता देता हूँ, सर्जन्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, लेबोरेटरी वर्कर्स होते हैं, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हैं और कैरियर मदर्स हैं, तो उनके लिए तुरंत प्रोटेक्शन के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स की इंजेक्शन दी जाती है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ हेपेटाइटिस बी पेशेंट, आपको मालूम पड़ गया कि जिसके साथ मैंने अभी सेक्स किया है उसको पहले से ही हेपेटाइटिस बी है, तो आप तुरंत ये इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है शुड बी गिवन विद इन 6 आवर्स ऑफ एक्सीडेंटल इनोकुलेशन। जब ये बी का इन्फेक्शन हो जाने के बाद 6 आवर्स के अंदर आपको खुद को पहचानना होगा, यस आई एम इन डेंजर नाउ, आई शुड गो टू द डॉक्टर एंड टेक द इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन और इन द हॉस्पिटल, नॉट लेटर देन 48 आवर्स। 2 दिन के बाद ये इंजेक्शन लगवाने से कोई भी फायदा नहीं है, आपकी लीवर बच नहीं सकेगी। डोज जो है इम्यूनोग्लोबुलिन का 0.05 to 0.07 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 2 डोजेस आर गिवन 30 डेज अपार्ट, 1 महीने के बाद और एक आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। दिस गिव्स द शॉर्ट टर्म पैसिव प्रोटेक्शन विच लास्ट फॉर 3 मंथ, इससे आपको 3 महीने तक प्रोटेक्शन मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ HB हीमोग्लोबिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज मोर इफेक्टिव। हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन 1 ml शुड बी गिवन इंट्रामस्कुलर विद इन 7 डेज ऑफ एक्सपोजियर एंड सेकेंड एंड थर्ड डोज आर गिवन 1 and 6 month आफ्टर द फर्स्ट डोज। ओके, तो ये सब एक्यूट गड़बड़ी की बात है, तुरंत आपको ये सब मेजर्स डॉक्टर लोग करेंगे जब आप उनके पास जाएंगे और बताएंगे कि ऐसे ऐसे मेरे मतलब भूल हो गई है, चूक हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो डॉक्टर्स लोग पूरे सा आपको प्रोटेक्शन दे रहेंगे। अदर मेजर्स, ऑल ब्लड डोनर्स शुड बी टेस्टेड फॉर HBV वैक्सीन। कैरियर शुड बी एडवाइज नॉट टू शेयर रेजर्स और टूथब्रश, यूज बैरियर मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन लाइक कंडोम लगाने की जरूरत है और अवॉइड द ब्लड डोनेशन। जो भी हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट है उन्होंने खुद का रेजर जो है ना, दाढ़ी वाला टूथब्रश किसी और को नहीं देना, नहीं देना। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी जिसको है उसको जब पत्नी के साथ और किसी के साथ कुछ सेक्स करना है तो कंडोम के बिना बिल्कुल मत करना। उसके साथ साथ जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी हो चुका है उन्होंने ब्लड डोनेट नहीं करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज एक आखिर में आपको प्रॉमिस किया था, हेपेटाइटिस ए जो नॉर्मल पीलिया रोग है उसके लिए दवा लिख के रखिए, आरोग्य वर्धिनी 3 गोली 3 दफा, कुमारी आसो नंबर 1, 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी के साथ आपको 3 टाइम लेना है। आरोग्य वर्धिनी टेबलेट है और कुमारी आसो लिक्विड है, ये बेस्ट मेडिसिन है फॉर नॉर्मल कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा होने वाली ए वायरस के लिए। बी वायरस के लिए वैसे तो कोई दवा नहीं है, फिलहाल आयुर्वेद की जो भुम्यामलकी नाम की दवा है तो उसकी निरोसिल नाम की कैप्सूल, निरोसिल NIROCIL, निरोसिल नाम की कैप्सूल में भुम्यामलकी नाम की प्लांट है, उसके ऊपर रिसर्च हो चुका है, उसके द्वारा हेपेटाइटिस बी में फायदा मिल सकता है। सपोर्टिव मेडिसिन है ये एक टैबलेट या एक कैप्सूल दिन में 3 दफा आप ले सकते हैं, कम से कम 3 महीने लेने की जरूरत है। धूत पापेश्वर मुंबई कंपनी की ये कैप्सूल अवेलेबल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए कृपा करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।